नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज भारतीय सियासत में एक निर्णायक मोड़ का दिन था। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस का सीधा सामना किया और नतीजा यह हुआ कि राहुल और प्रियंका दोनों को नोएडा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। मगर सबसे निर्णायक मौका मेरे हिसाब से वो रहा जब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पटक कर जमीन पर गिरा दिया। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीन तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि किस तरह से राहुल गांधी गिरते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर यह तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस राहुल गांधी को बाकायदा धक्का दे रही है और उसका नतीजा यह होता है। यह अगली तस्वीर जिसमें राहुल गांधी गिर जाते हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी SPG उन्हें उठाने का प्रयास कर रही है, और तीसरा तस्वीर जहां राहुल गांधी पूरी तरह से जमीन पर गिरे हुए हैं। अब यह तस्वीर देखिए जहां पर उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है उनके हाथ की चोट को देख रही है। मेरे हिसाब से यह भारतीय राजनीति की एक निर्णायक तस्वीर हो सकती है। और बात यहां नहीं रुकती, आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब तक विपक्ष के नेता को सरकारी डंडे पुलिस के जुल्म का सामना नहीं करना पड़ता तब तक वो विपक्ष का नेता नहीं बन सकता। राहुल गांधी की जिंदगी में क्या यह मुकाम, क्या यह लम्हा वही मौका लेकर आया है? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दो वीडियोस जो मैंने जोड़ के आपको दिखाए हैं जहां राहुल गांधी अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि क्या आप मुझे अकेले आगे जाने देंगे या नहीं, और इसके ठीक बाद यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। देखिए किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों वो वीडियो आपके स्क्रीन पर जहां आप देख सकते हैं कि राहुल और प्रियंका को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस बाकायदा इन गाड़ियों में बंद करके ले जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के लिहाज से आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में काला दिन माना जाएगा, क्योंकि हाथरस की गुड़िया के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, वो एक अलग अध्याय है। जिस तरह से देर रात उनकी मां और पिता की इजाजत के बगैर उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया निहायत ही विवादास्पद हालात में, और प्रशासन लगातार लीपापोती करती रही, वो एक जघन्य पाप था। मगर जब विपक्ष के नेताओं को मिलने से रोका जाए, खासकर एक ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां पर कानून व्यवस्था बेकाबू हो गई है, हालात पूरी तरह से बेकाबू है, ऐसे में मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आज मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, यह बौखलाहट किस लिए है? आपको इस मामले में कौन सलाह मशवरा दे रहा है? अगर इतिहास किसी बात का गवाह है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अहंकार ने कभी काम नहीं किया है। यूपीए 2 का अहंकार याद है कि नहीं आपको, 2012 और 2013 को, और फिर 2014 में उनका क्या हश्र हुआ आपको याद है? हालांकि मैं जानता हूं कि प्रचार तंत्र पूरी तरह से आपके साथ है, मीडिया कहीं ना कहीं इसे इस तरह से मोड़ देगा कि फिर आपके पक्ष में पूरी तरह से उसको कर दिया जाएगा। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को आपको बांटने का आपने काम किया है वो आपके पक्ष में दिखाई देता रहेगा। इस देश का प्रबुद्ध मीडियम क्लास फॉरवर्ड कास्ट हिंदू जो कि इस देश का कॉन्शियंस कीपर था, इस देश की सोच को आगे बढ़ाने वाला था, वो पूरी तरह से जो है उसने धर्म और छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा चाट दिया है। ऐसे में यह अहंकार किसी भी सूरत में मोदी सरकार के काम नहीं आने वाला है। वो मोदी सरकार जो निर्भया मामले में सियासत करके सत्ता में आई थी
बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार जैसे खोखले नारे लेकर जब आप आए थे, आप में इतना अहंकार, आप में इतना अहंकार कि आपने हाथरस की उस गुड़िया के मां बाप को उनकी कुटिया में बंद करके रख दिया है और अब आप विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यह मत भूलिए, पहली बार हो रहा है। आपको याद होगा जब कांग्रेस ने राजस्थान के जरिए राजस्थान की रिसोर्सेस का जुगाड़ करके मजदूरों के लिए बसेस भेजी थी, तब आपने नोएडा में घुसने ही नहीं दिया था। आपने उसमें भी दोहरी चाल खेली थी, उसमें भी आपने सियासत खेली थी जिसका नतीजा पूरे देश ने देखा था। और आज भी हाथरस के नाम पर, उसके नाम पर जितनी गंदी और घटिया सियासत खेली जा रही है दोस्तों, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मगर उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर आने वाली है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ये कह रहे हैं कि हाथरस की जो गुड़िया है उसके शरीर पर स्पर्म नहीं मिला, यानी कि कहीं ना कहीं शुक्राणु नहीं मिला, और इसके जरिए वो ये इशारा कर रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। और इसके जरिए जिन लोगों ने जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आपने कहा ना। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं और फिर मैं इनकी पोल खोलता हूं। सुनिए, जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे। अब मैं आपको हाथरस पुलिस का यह बयान दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। यह बयान क्या कहता है यह मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्त संदीप उपरोक्त को दिनांक 19/9/2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा विवेचना के क्रम में क्षेत्राधिकारी सादाबाद विवेचक द्वारा पीड़िता के दिनांक 22/9 को मजीद बयान देने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में तीन अभियुक्त लवकुश पुत्र रामवीर, रवि पुत्र अंतर सिंह, रामकुमार उर्फ राम पुत्र राकेश निवासी गण थाना सासनी जनपद हाथरस के नाम प्रकाश में लाए गए तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 ढी बादवी की बढ़ोतरी की गई। धारा 376 डी, ये कोई और नहीं कह रहा है एडीजी साहब, या आपकी हाथरस पुलिस कह रही है। अब आप कहेंगे कि ये धारा 376 डी क्या है, तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि ये धारा 376 डी क्या है। आपके स्क्रीन्स पर भारत दंड संहिता की धारा 376 डी, जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 20 साल की कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। यह है धारा 376 डी एडीजी साहब, जिसका जिक्र हाथरस पुलिस ने अपने इस पूरे मामले में किया है। और आज आप कह रहे हैं कि हाथरस की गुड़िया के शरीर पर शुक्राणु नहीं मिले।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं योगी जी कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन इस मामले में किस तरह की जांच कर रहा है। अगर आपको इस परिवार की बदहवसी को समझना है, इनके दुख को समझना है, इनके दर्द को समझना है दोस्तों, तो अब मैं हाथरस की गुड़िया के परिवार की इस महिला की का ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरह से ये पुलिस के जीप के पीछे भागती है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला है। लड़की की बात है, क्या हुआ था कल रात को? मेरे पापा को थोड़ी धमकी दी गई है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं। पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम तो कौन भरोसा पापा पे बुलवा रहे बयान बदलने से, तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो और जिस तरह से राहुल गांधी को आज पटक कर पुलिस ने जमीन में गिराया गया है, ये निर्णायक वीडियो है। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात तो कर ली, मगर अब भी इस मुद्दे पर खामोश है। हाथरस पे उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है, दोस्तों, जबकि जब हरिवंश बाबू राज्यसभा की नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, अनदेखी कर देते हैं, मत विभाजन करा देते हैं, और फिर अगले दिन वो पहुंचते हैं लोगों को चाय पिलाने का ड्रामा करने के लिए, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री टिप्पणी करते हैं। मगर दूसरी तरफ इस पूरे मामले में हाथरस में गुड़िया के साथ अपमान हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके परिवार के साथ अब भी अत्याचार हो रहा है। चलिए बलात्कार हुआ नहीं हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर क्या आप इस बात को इनकार करेंगे कि एक परिवार का अपमान हुआ है, बार बार अपमान हुआ है, और अब लोकतंत्र को आप रौंद रहे हैं विपक्ष के नेताओं को वहां पहुंचने से रोकने के लिए? यह अपने आप में एक निर्णायक मोड़ है और एक बहुत ही शर्मनाक लम्हा है लोकतंत्र के लिए। सारी तस्वीरें दुनिया भर में जा रही हैं। योगी जी, मोदी जी, आप मेरे देश के लोकतंत्र के साथ क्या कर रहे हैं, और आपको किसने अधिकार दिया इस देश के लोकतंत्र को रौंदने का? मेरे देश का लोकतंत्र आपके वजूद में आने से बहुत पुराना है। मेरे देश के लोकतंत्र के लिए जद्दोजहद महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह जैसे लोगों ने की थी, और आज इस लोकतंत्र को आप अपनी घटिया सियासत के लिए रौंद नहीं सकते। आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है। वाकई शर्मनाक लम्हा है दोस्तों, वाकई शर्मनाक लम्हा है जिस तरह से हाथरस में सियासत की जा रही है। नेता विपक्ष को निकलेंगे ही, मिलेंगे ही पीड़ितों से। आप नहीं मिलते थे क्या? मैं नहीं भूला हूं जब 26/11 का हमला हो रहा था मोदी जी, तब आप अपनी सियासत करने पहुंच गए थे मुंबई। क्या आपको किसी ने रोका था? नहीं रोका था। ऐसे में आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको किसने अधिकार दिया नेता विपक्ष को, विपक्ष के एक नेता को रोकने के लिए? यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए काला दिन है, मगर एक निर्णायक दिन भी है। क्या यह कांग्रेस की सियासत को एक नया मोड़ देगी? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी इस सरकार को चलने में अगले चुनाव को 4 साल है, मगर यूपी चुनाव में अभी 2 साल बाकी है। कांग्रेस खुद को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है।
क्या इन तस्वीरों का असर जनमानस पर पड़ेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अभी स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। मायावती पीछे चली गई हैं, अखिलेश खामोश हैं, आम आदमी पार्टी संजय सिंह के जरिए हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अब तक अजय लल्लू के जरिए जमीन पर उतरी थी, अब प्रियंका और राहुल भी जमीन पर उतरे हैं और राहुल को इस तरह से पटक के पुलिस का मारना, यह मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर। ऊपर से हाथरस को लेकर वहां के प्रशासन की संवेदनहीनता, ये तमाम चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शर्मिंदगी का सबब है और मेरे इन शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।